दोस्तों अगर आपको अंडर 20,000 कोई फोन परचेज करना है तो आपको ये तीन स्मार्टफोन्स मार्केट में जरूर देखने को मिलेंगे, ओप्पो F17, ओप्पो F15 एंड वीवो Y50। और दोस्तों आज हम करेंगे इन्हीं तीनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन, और आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन रहने वाला है आपके लिए सबसे बेस्ट, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, कोई भी वीडियो का पार्ट मिस मत कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं काकोटा एक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तीनों स्मार्टफोन्स की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक की बात कर लेते हैं। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों स्मार्टफोन्स में आपको बैक में पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ओप्पो F17 में आपको बिल्कुल बैक से लेदरेट फिनिश देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं ओप्पो F15 के बैक लुक की, यहाँ पर भी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, मगर दोस्तों यहाँ पर आपको जो बैक से लुक है बिल्कुल आपको ग्लास फिनिश लुक देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों Vivo Y50 में आपको बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, मगर दोस्तों आपको बैक से Vivo Y50 बिल्कुल ग्लास फिनिश लुक देगा। एंड दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्मार्टफोन हमें बिल्कुल प्रीमियम लगता है लुक के भी आपसे। एंड दोस्तों बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट से। दोस्तों फ्रंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो F17 एंड ओप्पो F15 में हमें नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों Vivo Y50 में हमें जो कैमरा है डिस्प्ले के कॉर्नर में देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर होने वाला है तीनों स्मार्टफोन्स में। दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन्स के वेट एंड थिकनेस की। दोस्तों जो ओप्पो F17 ही मेन हाईलाइट हम कह सकते हैं ब्रांड की तरफ से, यहाँ पर आपको जो वेट है ओनली 163 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है 7.45 mm थिकनेस के साथ। दोस्तों ओप्पो F15 भी हमें काफ़ी लाइट वेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो वेट है 172 ग्राम वेट एंड 7.9 mm की थिकनेस दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Vivo Y50 हमें थोड़ा सा हैवी देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदर टू स्मार्टफोन जिसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों जो वेट है 197 ग्राम का देखने को मिल जाता है, एंड दोस्तों जो यहाँ पर आपको थिकनेस है वो देखने को मिलती है दोस्तों 9.1 mm। दोस्तों यहाँ पर आपको जो लुक एंड डिजाइन है तीनों स्मार्टफोन्स का काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। अगर आपको लाइट वेट स्मार्टफोन परचेज करना है तो आप ओप्पो F17 एंड ओप्पो F15 परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज तीनों स्मार्टफोन्स के यहाँ पे आपको जो लुक का काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों मैं आपको एक और बात कन्फर्म कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दोस्तों ओप्पो F17 में जो स्क्रैचेज है वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे बैक से, बिकॉज यहाँ पर आपको बैक से लेदरेट फिनिश लुक देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये तो कुछ तीनों स्मार्टफोन्स की लुक एंड डिजाइन, यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कौन से स्मार्टफोन की लुक लगी सबसे बेटर है। दोस्तों अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले से। डिस्प्ले दोस्तों हमें ओप्पो F17 में काफ़ी बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि हमारी 6.44 इंच की है FHD+। दोस्तों जैसे कि वीडियो में देख भी सकते हैं यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर होने वाला है ओप्पो F17 में। दोस्तों ओप्पो F15 की भी हमें डिस्प्ले काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो आपको जो कलर से डिस्प्ले के काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले सुपर एमोलेड देखने को मिल जाती है 6.4 इंच के साथ। यहाँ पर दोस्तों जो रेजोल्यूशन है वो FHD+ का ही देखने को मिलता है। दोस्तों हमें देख सकते हैं Vivo Y50 में दोस्तों हमें जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है इतना कोई खास मिलने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको IPS पैनल देखने को मिलता है 6.53 इंच की डिस्प्ले के साथ, एंड यहाँ पर दोस्तों में जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का वो 6 FHD+ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों हम डिस्प्ले में कह सकते हैं हमारे यहाँ पर क्लियरली विनर है दोनों स्मार्टफोन्स ओप्पो F17 एंड ओप्पो F15। एंड यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले के अगर हम कह सकते हैं Vivo Y50 डिस्प्ले हमें इतनी बेटर देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले यहाँ पर आपको IPS पैनल देखने को मिलता है Vivo Y50 में। दोस्तों जो हमारे स्मार्टफोन का मेन पार्ट हम कह सकते हैं वो बैक कैमरा सेटअप। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया तीनों स्मार्टफोन्स में बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें ओप्पो F17 में क्वाड कैमरा सेटअप 16 MP मेन कैमरा 8 MP अल्ट्रा वाइड 2 MP मैक्रो एंड 2 MP डेप्थ देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 16 MP की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कैमरा में, फोटो वीडियो नाइट मोड पोर्ट्रेट एंड मोर में अगर आपको यहाँ पर आते हैं दोस्तों आपको एक्स्ट्रा HD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टाइम लैप्स देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों आप वीडियोग्राफी दोस्तों जो आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आप दोस्तों 1080p पे यहाँ पर आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 720p पे भी आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमें कैमरा है हालांकि इस प्राइस बजट में अगर हम देखते हैं तो हमें काफ़ी छोटा कैमरा देखने को मिल जाता है ओप्पो F17 में। एंड बात करते हैं हम ओप्पो F15 के कैमरा सेटअप की, यहाँ पर आपको मेन कैमरा 48 MP 8 MP अल्ट्रा वाइड 2 MP मैक्रो एंड 2 MP बोके कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको कैमरा काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाला है ओप्पो F15 में, यहाँ पर आपको दोस्तों फ्रंट में 16 MP सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है।
दोस्तों बात करते हैं वीडियोग्राफी की। यहाँ पर दोस्तों आप 4K 1080p पे 30fps एंड 720p पे 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है Oppo F15 में। दोस्तों बात करते हैं बैक कैमरा सेटअप की। Vivo Y50 यहाँ पर आपको मेन कैमरा 13MP 8MP अल्ट्रा वाइड 2MP मैक्रो एंड 2MP डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में दोस्तों 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर अब भी आपको काफ़ी सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, नाइट मोड, फोटो, वीडियो, मैक्रो। एंड दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो टाइम लैप्स, स्लो मोशन, लाइव फोटो, पनोरमा, बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वीडियोग्राफी की। यहाँ पर दोस्तों आप जो वीडियो रेजोल्यूशन है 4K, दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p एंड 720p पे आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, हमें जो 4K वीडियो शूटिंग का ऑप्शन मिलता है Vivo Y50 में। दोस्तों हम यहाँ पर कैमरा में क्लियरली विनर कह सकते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्लियरली विनर है Oppo F15, उसके बाद है दोस्तों हमारा Oppo F17, फिर आता है दोस्तों हमारा Vivo Y50, बिकॉज यहाँ पर आपको बिल्कुल कम मेगापिक्सल कैमरा देखने मिलता है दोस्तों, जो कि है 13MP का कैमरा। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोस्तों यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है Oppo F17 में कलर OS 7.2 के सपोर्ट के साथ। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख भी सकते हैं, दोस्तों मुझे यहाँ पर पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये UI Oppo का, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एनहांस्ड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो हमें अदर स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं Oppo F15 के ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोस्तों यहाँ पर हमें Oppo F15 में एंड्रॉइड 9 देखने को मिल जाता है कलर OS 6.1.2 के सपोर्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो कलर OS है, हालांकि इतना लेटेस्ट देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज फिर भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड फीचर देखने को मिल जाते हैं Oppo F15 में भी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा Vivo Y50 का जो हमें UI देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दोस्तों में एंड्रॉइड 10 फ्रंट टच OS 10 के सपोर्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी बेटर UI देखने को मिल जाता है Vivo का भी, जैसे कि वीडियो में देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको लेटेस्ट फ्रंट टच OS 10 देखने को मिलता है। दोस्तों जो एक्सपीरियंस है UI का आपको तीनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी बेटर मिलने वाला है। तीनों स्मार्टफोन्स का दोस्तों जो UI हमें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें Oppo F15 में एंड्रॉइड 9 एंड Vivo Y50 एंड Oppo F17 में हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। दोस्तों हमारे स्मार्टफोन की जो मेन पार्ट होता है प्रोसेसर, यहाँ पर दोस्तों आपको Oppo F17 में न्यू लॉन्च क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर मिलने वाला है। एंड दोस्तों Oppo F17 में हमें मीडिया टेक के लिए P70 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों जो एक्सपीरियंस आपको गेमिंग का काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमें Vivo Y50 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है ऑक्टा कोर। दोस्तों में तीनों स्मार्टफोन्स में ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जो आप गेमिंग का एक्सपीरियंस है तीनों स्मार्टफोन में, आप कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको गेमिंग में देखने को नहीं मिलेगा, जो गेमिंग आपको आप तीनों स्मार्टफोन्स में बिल्कुल स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स की बैटरी एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी से। दोस्तों Oppo F17 में आपको लेटेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर 30W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को 0 to 100% ओनली 53 मिनट्स में कम्प्लीट चार्ज कर सकेंगे। यहाँ पर आपको 4000 mAh बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों Oppo F15 में आपको 4000 mAh बैटरी एंड 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप जो अपने स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चार्ज कर सकेंगे। दोस्तों Vivo Y50 में आपको चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है 10W का एंड 5000 mAh बैटरी। दोस्तों आई थिंक इतना बजट होने के बाद भी फ़ोन का 10W का चार्जिंग सपोर्ट, दोस्तों 20W या 18W का चार्जिंग सपोर्ट अगर Vivo वाले देते तो यहाँ पर काफ़ी बेटर होता। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी पार्ट है वीडियो का, जो बिल्कुल मेन पार्ट है यहाँ पर, प्राइजिंग एंड रैम रोम। दोस्तों Oppo F17 में हमें एक ही वेरियंट देखने को मिलता है 6128, जिसकी प्राइजिंग है 17990। एंड Oppo F15 में हमें दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं 4128, जिसकी प्राइजिंग है 16990, 8128, जिसकी प्राइजिंग है 18990। दोस्तों Vivo Y50 में हमें एक ही वेरियंट देखने को मिलता है 8128, जिसकी प्राइजिंग है 16990। दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन फीचर्स का तीनों ही स्मार्टफोन्स में। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। दोस्तों आपको जो बैटरी एंड चार्जिंग, यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है एंड जो आपको डिस्प्ले है वो यहाँ पर काफ़ी बैटरी देखने को मिल जाती है Oppo F17 एंड Oppo F15 में। दोस्तों Vivo Y50 में आपको थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जो कि हमें 5000 mAh। दोस्तों पूरा दिन हम फोन यूज करते हैं तो हमारी डिस्प्ले पर ही नज़र रहती है, तो आपको एक डिस्प्ले का काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए अपने स्मार्टफोन में, तो आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को डिस्प्ले के भी आपसे परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों मैं यहाँ पर पर्सनली एडवाइज करता हूँ Oppo F15 की, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा टेस्ट है मैंने तीनों स्मार्टफोन्स का किया है, जो कैमरा आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है Oppo F15 का, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी स्लिम एंड सेट एंड जो लुक है दोस्तों वो भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है Oppo F15 की। एंड दोस्तों उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं Oppo F17, एंड उसके बाद दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं Vivo Y50। दोस्तों Vivo Y50 ना लेने का जो रीजन मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों आपको ओनली 13 MP का कैमरा, 10 वोट की चार्जिंग, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है इतने बजट में। दोस्तों ये था कुछ ओवरऑल कंपैरिजन जहाँ पर मैंने आपको बताया आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। और दोस्तों आप ऐसी वीडियो अगर देखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी टेक वीडियो आपके लिए सबसे पहले हम लेकर आते ही रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नई वीडियो को शेयर करना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।